अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। थूक फेंकने पर कोई किसी की जान कैसे ले सकता है, लेकिन ऐसा एक वाक्या पेश आया थाना बागबानपुरा के इलाके में, जहां पर हमसाये ने थूक फेंकने पर अपने हमसाये की जान ले ली और उसके कज़न को ज़ख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया या नहीं, अहले इलाका और बुरसा का क्या कहना है, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। बागबानपुरा के इलाके में मामूली तल कलामी की वजह से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया जबकि उसके कज़न को ज़ख्मी किया गया। इस समय हम उस इलाके में पहुंच चुके हैं और अहले खाना और मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वकूआ हुआ कैसे और क्यों बात मामूली सी तल कलामी जो थी वो कत्ल तक पहुँची। मोहतरम, आप उस दिन यहाँ पर मौजूद थे, हुआ क्या था, किस वजह से बात जो थी वो कत्ल तक जा पहुँची? असल में अभी के बाद में बच्चे छत पर खड़े थे, बालकनी में खड़े थे, एक बच्चे ने ऊपर से थूक फेंका जिसकी जो उसके ऊपर गिरा नहीं है लेकिन उसके करीब गिरा था और उसने वहीं से गाली गलौज किया और नीचे आने का कहा। बच्चे नीचे आए हैं, आके माजरत कर रहे हैं, उसके बाद मैं आ गया हूँ कि मैंने भी माजरत की है उसे और मेरे ख्याल से कि समझा माजरत उसने कबूल कर ली है, उसे अंदर भेज दिया, इनको मैं अंदर ले कर चला गया हूँ। मुल्ज़िम है कौन? मोहल्लेदार है, ये सामने घर है उसका और नाम उसका तो सलीम है, फरख सलीम है, फरख सलीम चीमा है। और क्या करता है? अभी रिसेंटली यहाँ पे आया है, शिफ्ट हुआ है, इतना हमारा उसके के साथ वो मतलब कि जान पहचान नहीं है। तो जब मैं उसे लेके बच्चों को लेके अंदर घुसा हूँ उतनी देर में वो अंदर से गन ले आया और आगे वो पीछे से उसने फायर कर दिए। दरवाजे के ऊपर फायर किए या ये दरवाजे के ऊपर? दरवाजा मैंने क्लोज किया लेकिन उसके बावजूद जो ना ये वाकया हो गया। ठीक है, जो और मक्तूल है और जख्मी होने वाले वो आपके क्या लगते हैं? एक जो कत्ल हो गया जिसको डेथ हो गई वो तो भांजा मेरा। क्या नाम है उसका? सैयद आमर अब्बास। और एक भतीजा मेरा जिसके बाजू में गोली लगी है और उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। कितनी उम्र है दोनों की? एक की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल है और जो जख्मी हुआ है उसकी तकरीबन 23 से 24 साल है। तो यहाँ पे क्या करने आए हुए थे? जो भांजा गुजरांवाला का रहची है भांजा मेरा और यहाँ पे स्टडी के लिए आया हुआ हमारे पास और हमारे पास ही रहता था। ठीक हो गया। आपने जैसे बच्चे के मकतूल के मामू की बात सुनी कि उनका कहना है कि वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हुआ था और मामूली सी तलकलामी यानी थूक फेंकने के ऊपर मामला शुरू हुआ और उसके बाद मुलजिम को इनके मुताबिक रफा दफा हो गया लेकिन उसने दिल में बात रखी और वो घर से जाके उसने पिस्टल लाया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कुछ अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहतरम, कौन शख्स है वो जिस इतनी सी मामूली सी बात के ऊपर उसने दो बंदों की जान लेने की कोशिश की लेकिन एक बच गया एक मर गया? दरअसल बात यह है कि उन्हें पिस्टल खरीद के रखा सी, ज़हनी तौर पर बदमाश सी, तो उन्हें पिस्टल कढ़ लिया, इत्थे ही शुरू किया उन्हें, उन्हें चेक किया अपने पिस्टल बंदे मारता। आप लोगों ने पहले उसके बारे में सुना था, वो कौन है? जैसे मकतूल के मामू बता रहे हैं कि वो नया यहाँ पे आया था, कुछ अर्सा हुआ है यहाँ पे नया आया। ठीक है, इनकी कोई इनके साथ कोई ऐसी वैसी कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ एक दो फैन की वजह से ये इन्होंने ये इसने हादसा कर दिया, एक की जान ले ली, एक जख्मी है, बस ये उसका मामला था। तो कभी आप लोगों की उसने हरकतें वगैरह नहीं थी? नहीं, कहा वो किसी से बात ही नहीं थे करते, अगर होता ना कि पता चलता ये किसी से बात कर रहे हैं या झगड़ रहा है, ना कोई ऐसी बात हुई है ना उनका लड़ाई झगड़े की कभी आई थी करनी है उनका, वो अंदर से गया पिस्टल निकाला तो उसने फैन निकाल दिया। आपका तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है, बिल्कुल साथ ही है। तो ये पहले इनके भाई रहते होते थे इधर, ये जिनका घर है, तो इन्होंने सरासर जुल्म किया है। तो पहले ऊपर से उसने थूक फेंका तो इन्होंने जान पूछ के आपके ख्याल में फेंका? नहीं नहीं, यहाँ पे बाइक खड़ी कर लेता था और यहाँ पे बैठ जाता होता था और आप देखें उधर खिड़की से नज़र भी नहीं आ सकता,
इंटेंशनली उसने माइंड में बनाया हुआ था कि मैंने इनकी तरफ कोई ना कोई बहाना बना के लड़ाई करनी करनी है। दरअसल वो इस तरह का आदमी था कि वो चाहता था कि मैं मोहल्ले में नया आया तो मैं अपना रोबो दबदबा बनाऊँ किसी के साथ लड़ाई करके, तो इस वजह से उसने इस तरह की हरकत की है। यानी वो सिर्फ अपना मोहल्ले के अंदर दहाक बुझाना चाहता था और कोई बात नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही। और 10-12 साल से हम इनके साथ रह रहे हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, आज तक किसी से लड़ाई नहीं देखी। तो ये जो मुलजिम है उसके बीवी बच्चे वगैरह भी थे या अकेला रहता था? जी जी, बीवी बच्चे वगैरह भी थे। और उसके बाद फायरिंग के बाद? फायरिंग के बाद बीवी बच्चे वगैरह तो पुलिस ले गई थी, और उसके भाई जो इधर रहते थे वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपने अहले इलाका का सुना कि वो नया भी यहाँ पे आया था और शायद सिर्फ मोहल्ले में अपना नाम बनाना चाह रहा था या थोड़ा सा रोब दबदबा बनाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ये फायरिंग का वाकया किया। अहले खाना क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं, और जो ज़ख्मी है वो उसकी कैसी हालत है, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। मकतूल आमिर अपने मामू के घर पढ़ने के लिए गुजरांवाला से रिहाइश पज़ीर था और उसके साथ इतना बड़ा सानिया पेश आ गया। मकतूल आमिर की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने लखते जिगर को तो यहाँ पे लाहौर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उसका लाशा जो है वो वापस गुजरांवाला आया, वो क्या कहती हैं? आप बताइएगा भाजी, हुआ क्या उस दिन, आप यहाँ पर मौजूद थी, आपका बेटा किस से उसकी लड़ाई हुई, वो अंदर आ गया, फिर कैसे फायरिंग हुई? भाई झगड़ा किसी के साथ नहीं था, हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं था, वैसे थोड़ी सी बात हुई है बच्चों की। अच्छा, उसके बाद उसने राइफल निकाल लिया, पता नहीं किस किस को गोलियां कहां कहां से लगाई हैं, पता नहीं बंद दरवाजे में लगाई हैं उसने। आपके बेटे की उम्र कितनी थी? 24 साल। क्या करता था वो? वो नक्शे वगैरह का, वो कंप्यूटर का काम करता था। तो आप लोग तो गुजरांवाला रहते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करने आया था? वो यहाँ काम सीखने आया था। ठीक, तो आप इस सारे वाक्य के ऊपर क्या कहेंगी? उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए भाई, हमें इंसाफ चाहिए। उसे ऐसे ना छोड़े। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे 1 बेटी। इसका कितना नंबर था? ये पहला नंबर। तो कमाने वाला भी यही है या कोई और? यही कमाने वाला था। और वालिद इसके? इसके वालिद गांव में। वो भी कुछ करते हैं? नहीं कुछ नहीं, यही खाती कमा रहा था। यही खाती। तो आप कोई अपील करना चाहेंगी कि नाहक आपके जवान बेटे को मार दिया क्या? यही अपील है कि इसको फांसी लगाई जाए, सरेआम इसको फांसी लगाई जाए। अरे बंदे का इतना हौसला ना हो कि किसी के घर में घुस के किसी को मारा जाए, हमें इंसाफ चाहिए भाई, हमें इंसाफ चाहिए, नहा का खून इसका बहा। आपके कोई मोहल्लेदार बता रहे थे कि वो भी बंदा भी यहाँ पे नया आया था, तो उसके घर वालों के साथ कोई आपका मिलना वगैरह था? नहीं, कभी नहीं, ना वो हमारे घर है ना हम कभी उनके घर गए, कभी कोई बात ही नहीं हुई हमारी। लेकिन खवातीन मोहल्ले में एक दूसरे को जानती है, कभी उसकी बीवी वगैरह से, उसके बच्चों से मुलाकात? कोई भी नहीं, हमारे कोई भी नहीं आया गया, ना वो आते जाते थे ना हमारे। तो आपने कभी सुना किसी मोहल्ले की और खातून से कि वो क्या करता था, कौन नहीं। था? हम निकलते नहीं हैं भाई, घर से निकलते ही नहीं हैं। इस वाकये के अंदर जहाँ पे आमिर को कत्ल कर दिया गया, उसके कज़न को ज़ख्मी भी किया था, ज़ख्मी भी हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं, जिसका नाम हुसैन है। हुसैन, उस दिन हुआ क्या, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप बताइएगा। सर हम बाहर गए हैं, उसने ना ऊपर से गालियां निकाल के बुलाया हमें, तो हम बाहर गए हैं तो उसने ऊपर से, हम नीचे जाके माजत भी की है, तो फिर भी वो ऊपर से ना लड़ने के मूड में था, कोई बात नहीं था हमारी सुन रहा। हमने फिर उसे कहा, भाई ने भी माजत की है, लेकिन वो गाली निकाल के ना अंदर भाग गया। इतनी देर में हमें चाचू ने दरवाजे से थोड़ा सा अंदर किया, तो उसने बाहर से पीछे से गोलियाँ चला दी हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या हमारे साथ हुआ। आमिर आपको क्या लगता था? मेरा कज़न था। तो आमिर को कहाँ पे गोलियाँ लगी और आपको कहाँ लगी? उसे सर में लगी हैं और मुझे बाजू में एक लगी है। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद हमें तो समझ नहीं लगी, उसे हम ले गए हैं हॉस्पिटल, तो उधर जाके डेथ हो गई है। अच्छा ये बताइएगा कि जब ये सारा वाकया हो गया तो उसके बाद आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया, अब मुजरिम गिरफ्तार हुआ है अभी? नहीं, मुजरिम नहीं अभी गिरफ्तार हुआ, फरार ही है। फरार हो गया। तो आप करते क्या हैं? मैं रिक्शा वगैरह चलाता हूँ। अच्छा, कभी पहले मोहल्ले में उसकी किसी से लड़ाई वगैरह हुई हो या आप लोगों के साथ कोई तलकलामी हुई हो? नहीं, हमारे साथ उसकी कोई तलकलामी नहीं थी। और मोहल्ले में? मोहल्ले में भी कभी उसे देखा नहीं था इस तरह किसी के साथ लड़ते हुए। जैसे मोहल्लेदार कहते हैं कि वो शायद सिर्फ मोहल्ले में रोब दबदबा बनाना चाहता था, आपको क्या लगता है क्या बात हुई होगी उस दिन, क्यों उसने फायरिंग कर दी जब आप लोगों की सुलह हो गई थी, आप लोग अपने अपने घरों में आ गए? पता नहीं क्या तैश में आ गया वो, ना हमने कोई गाली निकाली है, कोई ना बात हमने की आगे से। वही हमारा आना कि उसे पता कि अगर हम उसके साथ झगड़ा करते तो फिर वो हमारे साथ करता, तो कोई नजायज़ नहीं थी, तो ये तो नजायज़ की है। राना जी आप बताइएगा कि आप तो इस इलाके में काफ़ी पुराने रह रहे हैं, इस तरह का पहले वाकया कभी ऐसे इलाके में हुआ हो जिस तरह ये हुआ कि मामूली सी तलकलामी के ऊपर फायरिंग हो गई? आप नहीं, कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, इतनी ज्यादती की है इसने के जो आपने हाथ जोड़े हैं कि तू मेरे पे थूक ले, मेरे बेटों पे थूक ले, उतने एक नहीं मानी, गोलियां चाह इतना लैक और इतना जहीन बेटा था उसको खत्म कर गया। जो मकतूल है आपका क्या लगता था? मेरी बेटी का बेटा था जी, दो तरह था, आपके पास ही यहाँ पे रहता था तो ये मेरी चारपाई, ये बदकिस्मत की चारपाई थी। कैसा था उसके बारे में कुछ बताइएगा, कैसा था कुछ उसके बारे में कुछ बताइएगा अपने दोतरे के बारे में? मैं इंसानी रूप में फरिश्ता था, अमानी कुरानी बात है, इतना लायक और इतना शरीफ था, उसने कभी किसी से बात नहीं की थी, इतना जुल्म किया, अल्लाह ताला इसका बेड़ा घर करे और आप इंसान हमें इंसान दिलाएं। कुछ आपके मोहल्लेदार कह रहे हैं कि अभी तक पकड़ा नहीं गया, फरार हो गया, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के साथ पुलिस ताबून वगैरह कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मोहल्लेदार हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे हैं। पुलिस ताबून कर रही है आपसे? पुलिस भी फिलहाल तो ताबून कर रही है, उसकी जमानत हो गई है, तो वो जो पकड़े हुए थे आदमी वो भी चले गए होंगे, आदमी बात है। अब तो अल्लाह है या आप लोग हैं हमारे, हमारा इंसाफ मिलना चाहिए हमें। सही। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, ये बहुत जुल्म। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। जैसे आपने इनके लोगों के जज्बात देखे कि मामूली सी तल कलामी यानी थूक फेंकने से मामला शुरू हुआ, तमाम घर वालों ने जाके उससे माजरत भी की कि अगर उसकी दिल आजारी हुई है तो बात को रफा दफा कर देते हैं, बच्चों को लेके ये लोग घर में आ गए, वो अपने कमरे घर में चला गया और उसके बाद उसने घर के ऊपर फायरिंग की जिससे आमिर जो थे वो मौके पर दम तोड़ गए, जबकि उनका कज़न जो है वो जख्मी हुआ। और पुलिस ने
मुकदमा तो बेशक दर्ज कर लिया है लेकिन मुलजिम जो है वो इंटरम करा के रूपोश हो चुका है, जबकि उसके अहले खाना भी यहाँ से जो घर है खाली करके जा चुके हैं। इस सारे मामले के जिनकी मुदैयत में मुकदमा दर्ज हुआ है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, तफ्तीश कहां तक पहुंची है, पुलिस ने किन लोगों को हिरासत में लिया है और इनको क्या लगता है कि मुलजमान गिरफ्तार हो सकेंगे। मोहतरमा आप बताइएगा कि आपने किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और सारी कार्रवाई अभी तक कहाँ तक पहुँची है? सर हमें तो फरक सलीम जो मेन मुलजिम है जिसने फायर मारे हैं, एक तो उसके खिलाफ किया है क्योंकि हमें पता है कि उसने फायर मारे हैं, उसके अलावा वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, आज 7 दिन हो गए हैं सर। तो उसका भाई है खुरम जो यहाँ पे उसका बाप सुई गैस के महकमे में था, खुरम को पकड़ा पुलिस ने, उसके घर उसका साला आया था, वो भी पिस्टल के साथ आया था कि यार एक तो हमें मार गए, ऊपर वो भी असला लगा के आया। अब ये नहीं पता कि पुलिस वालों ने जो पिस्टल अंदर से घर से बरामद किया है वो पिस्टल उसके साले का है या उस मुजरम का है, पुलिस हमें ये नहीं बता रही। तो हमें सिर्फ यही है कि देखो यार कोई उस बच्चे ने क्या करना है कि एक बच्चे ने गली में थूक फेंका है, उस पे नहीं फेंका, उसे नहीं पता कि ये शेड के नीचे बैठ के सिगरेट पी रहा है, इतने में उसने जनाब जी नीचे बुलाया और नीचे आओ तूने गली में क्यों थूका है। तो मेरे भतीजे भांजे गए हैं, उनसे कहा कि अच्छा यार अगर गलती हो गई है तो यार हमें मार लो, हमारे मुँह पर थूक लो यार। लेकिन भाई मोहल्लेदारी कोई बात नहीं, हम माजरा चाहते हैं यार, कोई नहीं, मेरे बड़े भाई गए हैं उससे जाके एक्सक्यूज़ किया कि अच्छा भाई कोई बात नहीं छोटी सी बात है, तो ये इन्होंने कहा कि ठीक है वो चला गया, ये अब वापस आ गए हैं कि सुलह हो गई है, कोई चक्कर नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं था, अंदर आए हैं दरवाजे के, इतने में वो अंदर गया, इतने तैश में आया कि उसने पिस्टल ले गए तो दरवाजे पर 4 फायर उसने मारे हैं। एक भांजा मेरा था वो यहाँ खड़ा था, उसके ये पीछे दिमाग इस बैक साइड पे फायर लगा, वो ऑन द स्पॉट गिरा और डेथ हो गई, और मेरा ये भतीजा असनैन इसके बाजू पे फायर लगा। हमें तो सर उसे जब उठाया खून से लथपथ तो हम कोशिश की 15 पे सर फ़ोन किया, 222 पे फ़ोन किया कि यार कोई आ जाए एम्बुलेंस वाले, तो कोई भी ना एम्बुलेंस वाले सर आए हैं, वो फिर हम मोहल्ले की दोस्तों की गाड़ी लेके हम भागने की किए कि यार हमारा बच्चा बच जाए। कि देखे वो भांजा हमारे पास सर कोई 1 साल से आया हुआ था, हम उसे पढ़ा रहे थे कि यार गांव की ज़िंदगी से आप निकलो यार, इधर आके वो हमारे पास पढ़ रहा था और नहीं जो पहली सैलरी पे अपनी माँ के पास गया जाके बाइक ली है कि मामा मेरी जॉब लगी है। तो मैं ना बाइक पे जाऊँगा, तो लॉकडाउन में वो बेचारा बाइक पे आके इधर कि नौकरी के लिए 2 दिन पहले आया सर, 1 महीना पहले हम छोड़ रहे हैं कि चलो यार आप अपनी मामा के पास रहो, आपकी अम्मी अदास हो गई होंगी, इधर आए सर उसकी तो गलती भी कोई नहीं, अंदर बैठे हैं तो वो इतने तैश में वो इतना भरा है। और ये बताइएगा कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने की सर 6-7 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस वाले कह रहे हैं हाँ जी हम कर रहे हैं, हम उसके दोस्त भी उठा रहे हैं, उसके भाई को उठा लिया, उसके साले को, लेकिन मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा यार, इतनी हमारी आईटी इतनी तेज़ हो गई है लेकिन क्यों नहीं अभी तक। वो रात को हमने देखा उसका व्हाट्सएप ऑन था, ऑनलाइन वो अभी किसी से बातें कर रहा है, इस लाहौर में ही है, लेकिन पुलिस वाले वो कह रहे अच्छा यार आपको कहीं शक है तो हमें बताओ, हम जाते हैं, हम रिटे कर रहे हैं। और यार 7 दिन हो गए हैं अभी तक वो दंदनाता फिरा, पूरा मोहल्ला सर खौफ से डर रहा है कि यार हमें आपको भी मार सकता है, ऊपर रेंट पे उसने किराएदार है उसके ऊपर, वो जब मर्जी सर अंदर आके हमारा बिल्कुल सामने कर रहा है रेंट पे, ऊपर आके तो हमें भी अब फायर मार सकता है, मुझे मार सकता है, मेरे भाइयों को मार सकता है। आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मिले कोई सर? वो रईस साहब से मिला था जो नए थे, कमर आबाद साहब थे जिन्होंने SHO साहब थे, उन्होंने तावन किया सर, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि दूसरे दिन वो क्यों दोनों चेंज हो गए, क्या यार वो इतने बासर हैं। कौन दोनों चेंज हो गए? रईस साहब इन्वेस्टिगेशन सर हैं और SHO कमर साहब हैं,
वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों हो गया यार, हमें हमारी समझ अब आ रहा है कि वो इतने बासर बंदे हैं। नहीं, आपको लगता है कि मुल्जमान ने चेंज करा दिया उन्हें? मैं भी सर, जाहिर है रातों रात कैसे चेंज हो सकते हैं कि यार वो इतना पैसे वाला है, इतने बासर है कि किसी गरीब को मार देगा, नेक्स्ट भी किसी गरीब को मार देगा, पूरा थाना चेंज करवा दे वो। यार ये क्या, हमें किससे इंसाफ मिलेगा, जाके किसके पास जाएं हम? क्या बजाज साहब के पास आए, गवर्नर के पास जाएं, किसके पास जाएं, हमें बता दें। नहीं, आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ नहीं मिल सकेगा? सर देखिए, 7 दिन तक जो बंदा, जो पुलिस चाहे 2 दिन में बंदा पकड़ सकती है, 7 दिन हो गए आज तक वो बंदा नहीं पकड़ा, किससे हम इंसाफ मांगे कि हमारा भांजा हमारे हाथों में शहीद हुआ है, उसका तो कसूर भी कोई नहीं, ना हमारी भी कोई लड़ाई नहीं है। क्या है? आप सर, जो कह रहे हैं, समझ नहीं लगती कि ये फारिग फिरता रहता था, मोहल्ले वालों से पता चला कि जी इस्लामाबाद में किसी का ड्राइवर है ये। तो ये जो सामने घर है, कितनी मालियत का होगा आपके घर? ये कम से कम सर 1 करोड़ के पास होगा। इसका भाई था खुरम, जो के वो तो ड्राइवर 1 करोड़ रुपए का घर खरीद सर, उसका जो भाई था खुरम, उसका बाप था उसमें सुई गैस के महकमे में, तो वो जनाब जी इधर हमने देखा है कि उनके घर में अक्सर कैरी डब्बा आता था, यहाँ पे मीटर हर टाइम अंदर ना रखते रहते थे मीटर सुई गैस के, तो वो भी देखते थे, वो भी फारिग फिरता रहता था मोहल्ले में एसी भी लगते थे इसके घर में, टाइलें भी लगी हुई हैं, फर्नीचर के भी काम होते थे, इसने भी आते साथ अपने घर में पेंट शेट करवाया, ऊपर कंस्ट्रक्शन का ये लॉकडाउन में काम करवा रहा है, यानी इतना उसके पास पैसा है यार कि वो करता भी कुछ नहीं था, और मोहल्ले में कभी किसी को पिस्टल निकाल के दिखा देना, कभी किसी को आंखें दिखानी, तो हमने कहा नहीं यार मोहल्लेदारी कोई बात। आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत की थी इसके रवैये सर? हमने हमारे साथ सलाम लेता था, मोहल्लेदारों ने शिकायत की हो? नहीं, मोहल्लेदारों में नहीं की थी कि चलो यार ये शायद हमारी तरफ ही ना आ जाए। एक बंदे से डरता है ना बंदा कि यार इसे ऐसे दुश्मनी डालने का क्या फायदा, तो मुझसे मैंने भी सलाम करनी आगे भर के कि चलो यार मोहल्लेदार ये सामना नया बंदा है तो कोई बात नहीं, मोहल्ले में आपस में अच्छे भाइयों की तरह रहना चाहिए। हम यहाँ पे सर 30 साल से रह रहे हैं, मोहल्ले वालों से पूछा कि मोहल्ले वाले भी आपको बताएंगे कि ये इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैं खुद जॉब, सारे मेरे भाई जॉब करते हैं मीडिया में, मैं जॉब करता रहा हूँ, सारी उम्र शराफत में सर गुजार दी है मैंने, तो समय नहीं समय लगी कि यार हमारा जुर्म क्या था, क्या हम दुश्मन है, क्या हम कोई बदमाश है, क्यों हमारे बच्चे को से। आपने जैसे सुना कि मुदई मुकदमा का पहला खदशा तो ये है कि मुलजमान के बासर होने की वजह से ना सिर्फ थाने के SHO को चेंज कर दिया गया बल्कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी चेंज कर दिया गया, और दोबारा से जो नया इंचार्ज आया वो तफ्तीश दोबारा से नए सिरे से करेगा जिसके अंदर ताखीर होगी। इनका कहना है कि मुलजिम का मोबाइल भी ऑन है और मुलजिम के गुज़िश्ता रात को घर के अंदर चहल पहल भी देखी गई, हलचल भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो इनके साथ ना तो तआवुन कर रही है ना ही मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। भगवानपुरा के इलाके में मोहल्लेदार के हाथों कत्ल होने वाले आमिर और जख्मी होने वाले हुसैन केस में तफ्तीश कहां तक पहुंची है उसके लिए हमने जहमत दी है DSP भगवानपुरा खालिद फारूकी साहब को। फारूकी साहब, ये माजरा क्या है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज़ क्या सामने आई है, कोई दुश्मनी है या सिर्फ पर ऑफ द मोमेंट गुस्सा है और बंदों को मार दिया? नहीं, इनकी साहब का दुश्मनी तो नहीं है, ये ऐसे ही कह लें कि कुव्वत बर्दाश्त की कमी है, वो ऊपर से उसने थूक फेंका है तो ये नीचे खड़ा था, इसके ऊपर गिरा है। इस बात पे अब वो जो उनका मौकफ है वो कहते हैं नहीं, हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि वो नीचे खड़ा है, तो हमने फिर उससे माजरत भी की है, लेकिन वो इतना अग्रेसिव हो गया गुस्से में आके, तो वो कि आपने ये थूक फेंका क्यों है,
अंदर गया है, पिस्टल लेके आया है। वो जब उन्होंने देखा कि ये पिस्टल लेके आ रहा है, वो एकदम अंदर जाने लगे, इसने पीछे से फायरिंग की है। तो एक बच्चे को सर में लगी है गोली, एक को बाजू में लगी है। तो वो जो सर में लगी है वो फिर इसको पहले शालामार हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ से उन्होंने कहा ये सीरियस है, इसको सर्विसेज ले जाएँ। तो वहाँ जब पहुँचा तो इसकी डेथ हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने इसको डेड ही रिसीव किया था। ठीक है। तो उसके बाद चूँकि ये यहाँ इनका घर तो अबाई है, लेकिन ये खुद यहाँ रह नहीं रहे थे, ये मुलजम ये जो फ़र्क है, ये कुछ कह लें ये 7-8 माह से यहाँ आए हैं शिफ्ट होके, पहले ये ताजपुरा में रह रहे थे। तो इसके फिर वेयर अबाउट्स का हमने पता चलाया, जहाँ जहाँ भी मुमकिन था, इसके भाई, इसके वो ब्रदर इन लॉज, वहाँ वहाँ पे हमने रेड किया। इसके कुछ दोस्त थे यहाँ दरोगा वैले में रहते थे, उनके भी घरों से उसका पता अच्छा। शता किया। तो लेकिन उसने फिर ये अल्टीमेटली बेल करवा लिया कोर्ट से, अब वो बेल पे है। तो अभी उसको शामिल तफ्तीश करने के लिए बुला रहे हैं। शामिल तफ्तीश नहीं हुआ? नहीं हुआ, हुक्म उन्होंने तलबी लिखा है उसको कि आके शामिल तफ्तीश हो, ताकि फिर सारी बात। तो बंदे की वैसे बैकग्राउंड क्या, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह है? ये किसी कंपनी में काम करता है, कुछ सुई गैस की कोई कंपनी है इस्लामाबाद में। तो इसके वालद की डेथ हो गई थी तकरीबन को 2 माह पहले, तब से इधर आया हुआ था। अभी कुछ देर पहले उसके वालद का 40वां हुआ था, तो तब से ये इधर ही था, वापस नहीं गया था। लेकिन इसकी जब वो घर वालों से, इसके भाई से बात हुई है, तो इसकी मैंटेलिटी इस तरह की है, एग्रेसिव सा, जज्बाती सा। पहले भी इसके मतलब पता चला कि कहीं ये ताजपुरा में रहते थे, फायरिंग शायद करता रहा है। तो इसी एटीट्यूड की वजह से इसने ये फेल किया है और बेगुनाह बंदे को। मुदईयों की जानिब से एक इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर आया कि शायद बंदा जो है वो मुलजिम जो है वो कोई बासर है या उसके ताल्लुकात वगैरह हैं, कि SHO भी चेंज हो गए, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी चेंज हो गए, और तफ्तीश जो है वो बिल्कुल रुक सी गई है। इसके ऊपर आप क्या कहें? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें कोई हकीकत नहीं है, ना तो वो कोई इतना बासर है, आम सा आदमी है। कोई ऐसी ये जो ट्रांसफ़र हुई है SHOs की, ये रूटीन में हुई है एज़ पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये है, तो उसमें सीनियर अफसरान ने की है, उसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है। इसी तरह इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, वो बदकिस्मती से वो भी इसका कोई और इशू था, तो उस पर वो यहाँ से सस्पेंड हुए हैं। इस केस से रिलेटेड कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि अब मुलजिम ने इंटरिम कराई हुई है, तो आप लोग उसकी जमानत कैंसिल कराने की कोशिश कर रहे हैं, शामिल तफ्तीश करेंगे? बिल्कुल शामिल तफ्तीश उसको करेंगे। ये 302 का केस है, उसमें अल्टीमेटली इसकी जो बेल है कन्फर्म नहीं होती, कैंसिल ही होगी इंशाल्लाह। और है भी वो गिल्टी, इसमें अकेला ही मुलजम है, तो वो इंशाल्लाह उस बेल कैंसिल होगी और इसको चालान करेंगे। आला कत्ल वगैरह बरामद हो गया? आला कत्ल अभी, अब शामिल तफ्तीश होगा तो फिर उससे ये आला कत्ल की रिकवरी भी करेंगे। मुदई ये भी कह रहे थे कि उसके कोई रिश्तेदार वगैरह वहाँ पे आए, उन्होंने भी असला वगैरह लगाया हुआ था, और वो कह रहे थे कि पुलिस ने यहाँ से कोई असला बरामद भी किया है। वो ऐसे है कि ये जब ये घर में अंदर गया है पिस्टल लेने के लिए, तो इसकी बीवी इसको रोकती रही है, तो उसको फिर इसने ज़बरदस्ती, उसको भी जो उसके बच्चे हैं मुलजिम के, वो फिर उन्होंने अपने मामू को फ़ोन किया कि ये मामा को मारने लगा है। तो वो इस बात को सुन के, उसको तो पता नहीं था यहाँ इंसिडेंट क्या हुआ है, तो इस बात को सुन के कि पता नहीं वो इसकी सिस्टर को मारने लगा है, वो उसका लाइसेंसी पिस्टल था वो लेके आया था, उसको फिर हम वहाँ मौका से ले आए थे, उसका वो सारी वेरिफिकेशन की सारा, उसको उसका लाइसेंस उसके पास था। तो वो किसी ऐसे नियत से नहीं आया था कि वो मुदई फ्रीक से लड़े या झगड़े। दूसरा, मुदईयों ने यह भी कहा कि दो गुज़िश्ता 2 रातों में शहरी के औकात में इनके घर के अंदर हलचल होती है, लोग आते जाते हैं। अगर मुलजिम फरार है, उसके अहले खाना भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर घर में कौन? नहीं, वो इसमें है कि ये नीचे ये रहते हैं, ऊपर कोई और रहता है, किराएदार है शायद, तो वो उस लिहाज से वो उसमें बहुत ही होगी, ऊपर किराएदार रहते हैं। ठीक।
इलाके में अपना रोब कायम करने के लिए फरूक ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक जबकि दूसरे को जख्मी कर दिया। अब पुलिस उसकी तलाश में है और जल्द उस इलाकों के पीछे होगा जिसके बाद मुदईयों को इंसाफ मिल सकेगा। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेजबान उमर जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।